सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्क्वैड चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है प्रमोद यादव, स्वागत करता हूं आपका इंडियन स्क्वैड चैनल के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत के उन 10 राज्यों के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। ये लिस्ट हमने IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी से 2017 में पास आउट हुए कैंडिडेट की संख्या के आधार पर बनाई है। तो चलिए जानते हैं इंडिया टॉप 10 स्टेट टू गिव ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। नंबर 10, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और ये राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का 19वां और क्षेत्रफल के मामले में भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे विवादित क्षेत्र भी है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर ने इंडियन आर्मी को 2017 में 11 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 9, पंजाब। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है और ये भारत का इकलौता राज्य है जहां सिख बहुमत है। पंजाब जनसंख्या के मामले में 16वां और क्षेत्रफल के मामले में 20वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके बावजूद पंजाब ने 2017 में इंडियन आर्मी को 17 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 8, केरला। केरल राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है और ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में देश का 22वां और जनसंख्या के मामले में देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और केरला ने 2017 में इंडियन आर्मी को 17 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 7, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। ये राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का 21वां और क्षेत्रफल के मामले में भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। कम जनसंख्या होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने 2017 में इंडियन आर्मी को 21 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 6, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है और महानगर है और दिल्ली ने इंडियन आर्मी को 2017 में 23 आर्मी ऑफिसर्स प्रदान किए हैं। नंबर 5, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इस राज्य की गिनती भारत के सबसे धनी राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 3रा और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 2रा सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद महाराष्ट्र ने इंडियन आर्मी को 2017 में 24 आर्मी ऑफिसर्स प्रदान किए हैं। नंबर 4, बिहार। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है और बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का 3रा और क्षेत्रफल के मामले में भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार ने 2017 में इंडियन आर्मी को 28 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं और यही नहीं, बिहार पहले भी इंडियन आर्मी को बहादुर ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 3, राजस्थान। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान ने 2017 में इंडियन आर्मी को 30 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 2, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है और ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का 19वां और जनसंख्या के मामले में भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद उत्तराखंड ने इंडियन आर्मी को 2017 में 49 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में देश का 4था और जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने 2017 में इंडियन आर्मी को 74 आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पहले भी इंडियन आर्मी को बहादुर आर्मी ऑफिसर प्रदान किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।